क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया 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 यीशु तेरा, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर्षा, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर्षा। शुक्रिया 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 यीशु तेरा, सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है, मुझको भी तूने बनाया है, तेरे क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया 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 यीशु तेरा। थैंक यू
चढ़ गया जिंदगी से नया सिलसिला, हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया, 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 हालेलुया। आप सब कैसे हो? मैं विश्वास रखती हूँ अपने परमेश्वर पे कि उसने आपको सही सलामत रखा होगा। आज हम बात करेंगे वचन में से, जो कि वचन हमसे कहता है कि हम परमेश्वर पर विश्वास रखें। किस पे करेंगे? हम विश्वास पे बात करेंगे। आप जानते हैं विश्वास क्या होता है? आप बिलीव करते हैं ना किसी पर, किसी किसी चीज़ों पर बिलीव करते, विश्वास करते हैं। कौन कौन बच्चा ट्रेन में बैठा है, कौन बच्चे प्लेन में बैठे हैं, कितने बच्चे डॉक्टर से मिलने गए हैं, डॉक्टर से मिले होंगे, है ना, डॉक्टर से सब बच्चे मिले हैं। तो आप क्या करते हो? डॉक्टर पे विश्वास करते हो। जब आप बीमार होते हो तो आप क्या करते हो? डॉक्टर से के पास जाते हो और विश्वास रखते हो कि आप जल्दी से ठीक हो जाओगे, आपको मेडिसिन लिख के देगा और आप खाओगे और आप ठीक हो जाओगे। आपका क्या विश्वास है उस डॉक्टर पर? और क्या होता है, आप ठीक हो जाते हो। आप सफ़र करते हो, कहीं जाते हो एक जगह से दूसरी जगह, ट्रेन में बैठते हो या प्लेन में बैठते हो, आप कभी जा कर के नहीं पूछते हो ट्रेन के ड्राइवर से या पायलट से कि आपको पायलट अंकल या पायलट भैया या जो भी आप बोलना चाहो कि आपको उड़ाना आता है प्लेन, या ड्राइवर से ट्रेन के कि आपको ट्रेन चलानी आती है। आप किसी से कुछ पूछते नहीं हो, आप विश्वास करते हो कि जहाँ हमको जाना है वहाँ आप जल्दी से पहुँच जाओगे, है ना। ये जो विश्वास है, ये हम कहाँ से आता है? ये हमारे अंदर से आता है विश्वास, है ना। और ये विश्वास हम मनुष्य पे करते हैं आँख बंद करके। कई बार हम आँख बंद करें क्योंकि हम पूछते ही नहीं हैं कि आपको ट्रेन चलानी आती है या आपको प्लेन उड़ाना आता है या डॉक्टर साहब, डॉक्टर अंकल, आपको अच्छे से डॉक्टर बच्चों को लोगों को देखना आता है, आप हमारा इलाज कर सकते हैं कि नहीं। हम आँख बंद करके इन सब पे विश्वास कर लेते हैं कई बार। अच्छी बात है विश्वास करना, क्योंकि ये सब अपने काम को करने के लिए निपुण होते हैं, सक्षम होते हैं, ये सब कर लेते हैं और हम इन पर विश्वास करते हैं। और इन सब को बनाया किसने है? हमारे परमेश्वर ने। आपको, मुझको, आपके पेरेंट्स को, इस संसार में आप जितने भी मनुष्यों को देखते हैं, जीव जंतुओं को देखते हैं, सबको हमारे परमेश्वर ने बनाया है। और जब परमेश्वर ने बनाया है तो वचन में उसने हमें कुछ सिखाया है, है ना। वचन क्या है? जब आप बाइबल खोलते हो, बाइबल में आपको वचन मिलेगा, वहाँ लिखा है विश्वास करने के लिए। मैं चाहती हूँ बाइबल में से आपके पास बाइबल है, आप बाइबल लेके बैठे हैं, बाइबल खोलिए। बाइबल में दो किताबें होती हैं, नया नियम और पुराना नियम। आप नए नियम की किताब को खोलिए, वहाँ पे यूहन्ना की किताब को निकालिए,
यूहन्ना, यूहन्ना 3:16। और कोशिश करिएगा इस आयत को आप याद कर लें, ये बहुत अच्छी आयत है, बड़ी प्यारी आयत है। ये पूरी बाइबल को समझा देती है एक सेकंड में, कि पूरा वचन, पूरी बाइबल हमसे क्या कह रही है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ आप पढ़ेंगे अपने बाइबल को, मैं यहाँ से पढ़ के आपको सुनाती हूँ। लिखा हुआ है बाइबल में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, क्या किया, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। किस पर विश्वास की बात आ रही है, यीशु मसीह पर। परमेश्वर का इकलौता पुत्र कौन है, ये प्रभु यीशु मसीह। वो कौन, उसने क्या किया हमारे लिए, अपनी जान दे दी। क्या दे दी उसने, अपनी जान दे दी। और क्या किया उसने, हमको अनंत जीवन दिया। क्या दिया, इंटरनल लाइफ दे दी उसने हमको। तो कितना फ़ायदे का काम किया है उसने हमारे लिए। हमें सिर्फ एक काम करना है कि जो कोई मेरे बेटे पर, परमेश्वर कह रहा बेटे पर विश्वास करेगा, मैं उसको इंटरनल लाइफ दूंगा। क्या दे दूंगा उसको, उसको मैं क्या कर दूंगा, पढ़ेंगे आप अपनी बाइबल को खोलिए, वहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। परमेश्वर ने, जिसने हमको बनाया, आपको बनाया, सबको बनाया, वो कह रहा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो। वो क्या नहीं होगा, नाश, यानी कि बर्बाद नहीं होगा, वो नरक में नहीं जाएगा, वो बर्बाद नहीं होगा, उसका जीवन कभी खराब नहीं होगा। जो किस पर विश्वास रखेगा, प्रभु यीशु मसीह पे, वो क्या पाने पाएगा, वह अनंत जीवन को पाएगा। किस चीज़ को पाएगा, अनंत जीवन को पाएगा, इंटरनल लाइफ। आप चाहते हैं ना कि आप स्वर्ग जाएं। ज़्यादातर हम क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों से कि कौन कौन बच्चा स्वर्ग जाएगा, तो सारे बच्चे अपने हाथ उठा लेते हैं, हम जाएंगे, हम जाएंगे, हम जाएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है स्वर्ग जाने का, कि हमको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखना है। सबसे पहला काम या सबसे इम्पॉर्टेंट काम है विश्वास को यीशु मसीह पर रखना, है ना। आप विश्वास रखिए तो आप कहाँ जाने पाएंगे, स्वर्ग में जाने पाएंगे, आप स्वर्ग चले जाएंगे। और सब बच्चे जैसे कह रहे हैं कि हम स्वर्ग जाना चाहते हैं, हम भी स्वर्ग में जाएंगे, हम भी स्वर्ग में जाएंगे, तो उसके लिए सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट काम करना है, वो है, क्या काम है वो, विश्वास। विश्वास रखना है तो हम परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ, पवित्र आत्मा के साथ स्वर्ग के सिंहासन के सामने उपस्थित किए जाएंगे। वो ऐसा हमसे वादा कर रहा है, वो वचन हमको कभी भी, अगर हम वचन को पढ़ते हैं, या बाइबल में लिखा हुआ है कि सब कुछ टल जाएगा, जितना भी संसार में सब कुछ मिट जाएगा, हट जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी टलने का नहीं है। अब अगर हम क्वेश्चन पूछें, हमारे अंदर से कुछ क्वेश्चंस निकलते हैं कि हम किस पर विश्वास करें, है ना, क्या लिखा है, हम किस पर विश्वास करें। तो अभी हमने क्या आयत पढ़ी, कि जो कोई मेरे बेटे पर विश्वास करेगा, किस पर, प्रभु यीशु मसीह पर, है ना। क्वेश्चन आता हमारे दिमाग, हम किस पर विश्वास करें, मनुष्य पर विश्वास करके देख लिया, दोस्त पर विश्वास करके देख लिया, इस पर करके देख लिया, उस पर हमारा विश्वास टूट जाता है, हम परेशान हो जाते, निराश हो जाते हैं, हमको हमेशा ठोकर मिलती है। लेकिन आज जब हमसे कोई क्वेश्चन पूछे, हमारे मन में क्वेश्चन उठे कि हम किस पे विश्वास करें, तो वचन ने आज हमें क्या बताया, कि हमको एक लौते पुत्र पर विश्वास करना है। एक लौता पुत्र कौन है, प्रभु यीशु मसीह। जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे तो हम स्वर्ग जाने पाएंगे। कितना कितना अच्छा गिफ्ट मिल रहा, सिर्फ क्या करना है, विश्वास करना, सिर्फ विश्वास करना है यीशु मसीह पे, तो हम कहाँ जाने पाएंगे, स्वर्ग जाने पाएंगे। फिर इसके बाद हमारे अंदर एक और क्वेश्चन उठता है कि हम विश्वास क्यों करें, हम विश्वास क्यों करें, क्यों करें विश्वास, हमारा मन नहीं कर रहा विश्वास करने का। लेकिन अगर आप मसीह हैं, यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, या यीशु मसीह को जानते हैं, आप धर्मी बनना चाहते हैं, आप स्वर्ग जाना चाहते हैं, तो क्या है, आपके मन में क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि हम विश्वास क्यों करें। तो क्यों करें विश्वास, इसके लिए आप पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 16:3। क्या पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम, ये भी नए नियम की बुक है, उसमें लिखा, वहाँ पे है प्रेरितों के काम की एक किताब, उसका 16 अध्याय, उसकी 3 आयत में लिखा हुआ है, विश्वास रख तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। क्या कर कह रहा है, विश्वास रख,
क्या रख? सिर्फ विश्वास। अभी विश्वास की बात हो रही है, विश्वास रख तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, यानी कि आप विश्वास करेंगे। आप छोटे बच्चे हो, आप अभी विश्वास शुरू कर दीजिए। आप किस पे विश्वास करना शुरू कर दीजिए? यीशु में से विश्वास करना शुरू कर दीजिए, तो आपके साथ साथ आपका पूरा घर, आपके पूरे लोग, आपके जितने लोगों के साथ आप रहते हैं इस घर में, घराना जो आपका पूरा है, वो सब लोग उद्धार पाएंगे। वो सब क्या होने पाएंगे? प्रभु यीशु मसीह के नज़दीक आ जाएंगे, यीशु मसीह को जानने लगेंगे, यीशु मसीह को मानने लगेंगे, और वो स्वर्ग स्वर्ग में वो सब लोग यहाँ जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे। किसके कारण? सिर्फ आपके विश्वास करने के कारण। किसके? आप विश्वास करेंगे। आप विश्वास करना शुरू कर दीजिए, आपको क्या मिलेगा? अनंत जीवन मिलेगा। फिर एक और क्वेश्चन बार बार आता है दिमाग में, विश्वास कहाँ से मिलेगा? ये विश्वास कहाँ से मिलेगा कि हमारे अंदर ये विश्वास आ जाए? कैसे जानेंगे विश्वास कैसा होता है, कहाँ से विश्वास है ना? तो इसके लिए जब हम वचन खोलते हैं, रोमियो 10:17, ये भी नए नियम की किताब है, बाइबल को जब खोलेंगे वहाँ पे मैं बताती हूँ वहाँ पे क्या लिखा है। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। क्या लिखा हुआ वहाँ पे? मैं शॉर्ट बता रही हूँ आपको, आप पढ़ सकते हैं इस चीज़ को। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। विश्वास कहाँ से हो रहा है? सुनने से। जब आप सुनेंगे, यानी कि आप वचन को सुनेंगे, पढ़ेंगे, तब आपके अंदर विश्वास उत्पन्न होगा। आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं तो आप वचन, तो आपको क्या होता है, विश्वास आपका शायद अच्छे से बना नहीं है, आप अच्छे से बिलीव नहीं कर पाते यीशु मसीह पे। इसलिए वचन को खोलिए, और जब खोलेंगे उसको पढ़ेंगे, या जब चर्च जाते हैं या संडे स्कूल जाते हैं, वचन को सुनिए, इधर उधर मन मत लगाइए, वचन सुनेंगे तो आपका विश्वास यीशु मसीह में बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद हमारा दिमाग में आता है, विश्वास करने से हमें क्या मिलेगा? अभी आपने सुना ना, क्या मिलेगा हमको? अनंत जीवन मिलेगा। क्या मिलेगा? अनंत जीवन मिलेगा, और हमारा घराना उद्धार पाएगा। इतना अच्छा गिफ्ट मिल रहा है, इतनी हमें अच्छी क्वालिटी वाला गिफ्ट मिल रहा है। कोई सड़ा गिफ्ट नहीं मिल रहा, जिसको खोलते ही जब कभी हमें गिफ्ट मिलते हैं, कुछ गिफ्ट्स देख करके हम बहुत कंधे मुंह बनाते हो, ये हमें दे दिया, हमें तो इसकी ज़रूरत भी नहीं थी, इसकी हम किसी और को दे देंगे, कई बार ऐसा होता है ना। लेकिन जब हम विश्वास रखते हैं तो हमें सबसे बेस्ट गिफ्ट मिलता है। क्या मिलता है? स्वर्ग जाने का टिकट मिल जाता है। क्या मिलता है? स्वर्ग जाने का टिकट मिल जाता है। इसलिए आप अभी से, अभी आप छोटे बच्चे हो, अभी आप धीमे धीमे करके जब बड़े होते चले जाओगे, अभी आप संडे स्कूल जाते हो, फिर आप चर्च में पार्टिसिपेट करो, यूथ में आओगे, फिर आप थोड़े और एल्डर हो जाओगे, फिर आप कई चीज़ों में पार्टिसिपेट करोगे चर्च में, अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, और आपका ये विश्वास रखना आपकी ज़िंदगी को सफल बना देगा। हो नहीं सकता कि आप परमेश्वर पे विश्वास रखें और परमेश्वर आपको असफल बनाए किसी चीज़ में। आप विश्वास रखेंगे तो आप उन्नति पाएंगे। अगर आप विश्वास रखेंगे तो आपका घराना उद्धार आपके कारण, अगर आज आप विश्वास कर लेंगे, यदि आज आप यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे, यदि आज यीशु मसीह को आप कह देंगे कि यीशु मसीह करना नहीं, माँ कहना नहीं है, उसको करना है अपना, है ना। विश्वास करें यीशु मसीह पे कि यीशु मसीह ही है जो आपको क्या कर सकता है? अनंत जीवन दिला सकता है, आपको उद्धार दिला सकता है, आपको आशीष दे सकता है, आपको बरकत दे सकता है, और आपको आशीष का, दूसरों के लिए आशीष का कारण बना सकता है। तो आप अभी छोटे हो, आपको सिर्फ इतना करना है, अभी से विश्वास करना शुरू कर देना है। खराब लोगों पर नहीं, शैतान पर नहीं, जो गलत बातें सिखाए उन पर विश्वास मत करिए। आपको सिर्फ किस पे विश्वास करना बताएंगे बच्चे, किस पे विश्वास करना आपको? यीशु मसीह पे। यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? स्वर्ग जाने का टिकट मिल जाएगा। अगर हम वचन पढ़ते हैं, संडे स्कूल लेते हैं जब हम, तो बच्चे लोग बहुत अच्छे अच्छे से आंसर्स देते हैं। मैंने भी कई बार बच्चों को अच्छे से पढ़ाया है कई चीज़ों को। आपने पढ़ा सुना होगा पतरस के बारे में, है ना। पतरस को जानते हैं, पतरस यीशु मसीह का चेला था, और पतरस ने यीशु मसीह जब पानी पे चल रहा था, सुना ना ये वाली बात आपने, जब यीशु मसीह पानी पे चल रहा था, तो पतरस ने यीशु मसीह से कहा कि मैं भी पानी पर चलना चाहता हूँ। तो क्या किया उसने? यीशु मसीह पे विश्वास किया और वो पानी पर चलने लगा। लेकिन जैसे ही आंधी आई, जैसे ही तूफान आया, और उसने क्या किया, अपना विश्वास यीशु मसीह से जब हटा दिया, तो वो क्या हो गया? वो डूबने लगा। पहले क्या कर रहा था? यीशु मसीह पे विश्वास रखा था उसने, तो वो उस पानी पर चल पा रहा था। किस पे विश्वास रखा था? यीशु मसीह पर। और जब यीशु मसीह से उसने अपना विश्वास हटा दिया, तब उसने अविश्वास किया किस पर? यीशु मसीह पर। तो वो क्या हो गया? पानी में डूबने लगा। ये पानी है संसार,
है ना, ये जो पूरा वर्ल्ड है एक पानी के समान, आप समझिए फॉर एग्जाम्पल। और जब आप यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे तो आप इस संसार में अच्छे से चल पाएंगे, अच्छी तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। और लेकिन जैसे ही परेशानियाँ आएंगी, तकलीफ़ें आएंगी, निराशा आएंगी, और अगर आपका विश्वास यीशु मसीह से हट जाएगा तो उस पानी में यानी उस संसार में आप डूब कर खराब हो जाएंगे। इसलिए क्या करना है, पतरस के जैसा हमको नहीं करना है। हमें कैसे करना है, पतरस के पहले वाले काम को करना कि जैसा उसने शुरू में किया विश्वास, वैसे आपको पूरी ज़िंदगी भर विश्वास करना। किस पर? यीशु मसीह पर। तब आप क्या पाने पाएंगे, स्वर्ग का टिकट पाने पाएंगे। ऐसे ही अगर आपने नूह के बारे में सुना होगा, नूह कौन था, परमेश्वर पर विश्वास रखने वाला एक व्यक्ति था। उसके द्वारा लिखा है ना, तू विश्वास रख, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। नूह ने परमेश्वर पर विश्वास किया। किस पर विश्वास किया? परमेश्वर पर विश्वास किया। परमेश्वर कौन है? हम सब का बनाने वाला। और हम सब का बनाने वाला जो परमेश्वर है वो हमसे प्रेम करता, तो हमें क्या करना है, सिर्फ उस पर विश्वास करना है ना। बार बार सिर्फ विश्वास की बात आ रही, इसलिए विश्वास को दिमाग में रख ले। नूह ने क्या किया, परमेश्वर पर विश्वास किया। उससे क्या कहा परमेश्वर ने, कि मैं पानी से इस संसार को नाश करने वाला हूँ, तो बड़ी सी क्या बना है, बड़ा सा जहाज बना है ना, आपको पता है ना ये वाली कहानी स्टोरी, उसने बनाया और उसके साथ साथ क्या हुआ, उसका घराना बचने पाया। और जब हम यीशु मसीह के बारे में देखते हैं, यीशु मसीह ने जितने भी रोगी चंगे किए, चाहे अंधा हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे बहरा हो, सबसे क्या कहा कि जा तेरे विश्वास के अनुसार हो जाए। इसलिए विश्वास ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे हमारी बीमारी के लिए हो, चाहे हमारी पढ़ाई के लिए हो, चाहे किसी भी चीज़ के लिए हो। अगर हम विश्वास सिर्फ यीशु मसीह पर रखकर अपनी ज़िंदगी को परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे तो हम उद्धार पाएंगे, हम अच्छा जीवन पाएंगे। जब हम प्रार्थना करेंगे तो विश्वास रखें कि आपकी प्रार्थना सुनी जा रही है। सिर्फ विश्वास रखना है। आप प्रार्थना में बहुत कुछ मांगते हैं, मुझे बुद्धि दे दे परमेश्वर यीशु मसीह, मुझे अच्छे कपड़े दे दे, मैं क्लास में फर्स्ट आ जाऊँ, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मम्मी प्यार करे, पापा प्यार करे, मेरा अच्छा फ्रेंड बन जाए कोई। हम ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं बच्चे लोग ना, तो क्या होगा, वो सारी प्रार्थनाएं जो आप परमेश्वर से मांगेंगे वो सब कुछ विश्वास रखिएगा कि वो आपके लिए पूरी हो जाएंगी। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस विश्वास के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आप बच्चों के मन में विश्वास को परमेश्वर बढ़ाए। आइए अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर। इस पिता परमेश्वर समय आपसे प्रार्थना करते हैं, जो बच्चे को खुदावन्द यीशु मसीह इस वचन को सुन रहे हैं, पिता परमेश्वर उनके मन में आज आया है कि वो अपने विश्वास को बढ़ाएंगे, आप इनके विश्वास को बढ़ाइए, इनको बुद्धि ज्ञान समझ से परिपूर्ण करिए कि ये विश्वास की बात को समझ सके, ये आप पे पिता परमेश्वर बिलीव करने पाएँ कि आप ही प्रभु यीशु मसीह हैं। खुदावन्द यीशु मसीह, इस छोटी सी विनती को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। जय मसीह की।